मेकिंग आज टुडे आई एम गोइंग टू मेक बेबी क्रिब टॉय बेबी क्रिब बार्बी की एक बेबी है दो तो उनका हम क्रिब बनाएंगे कॉर्बी कह सकते हैं क्रिब भी कह सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने बेबी बनाए हैं एयर ड्राई क्ले से बनाए मैंने ये गर्ल है क्लोथ भी पहनी है आप इसके क्लोथ के और ये बॉय है ये कुछ टाइप पहना हुआ है ब्लू ड्रेस में और ये क्या और इनकी सिटर बाउंसर कुछ भी कह सकते हैं आप लोग बाउंसर का है सिटर एनीवेज और उसके बाद ये है नाउ ये है बेबी बैग जिसके अंदर बेबी की एसेंशियल्स होती हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फीडर पिंक फीडर फॉर द गर्ल ये यस वी हैव डायपर्स और पैम्पर्स फोमिंग शीट के पैम्पर्स हैं इस पर लिखा हुआ है फोम पैम्पर मॉइस्चर नेक्स्ट हमारे पास है वाइप्स बेबी की एक और एसेंशियल है वाइप्स फेस क्लीन करने के लिए उसके अंदर टिश्यू है इसको ऐसे बंद करके इसके अंदर आपको उधर रखना है। उसके बाद बेबी की एक और एसेंशियल जो काम आती है बेबी पाउडर जॉनसन्स स्टिकर था और ये इसका थोड़ी सी मैंने ये लेबल लास्ट थिंग है बेबी की और बेबी बॉटल फॉर बॉय ना अब और ये है एक और बेबी ये मेरी परदादी की है उन्होंने बनाई थी इसका पॉट भी है बहुत बड़ा और ये बहुत क्यूट है तो और ये बैग है ये भी आपने बनाया है यस इसके साथ क्योंकि यहाँ पर ये दो हैं इसके ना एयर ड्राई क्ले डालती है बिकॉज ताकि वो जो बॉटल है वो स्टिक रहे इससे और इस पर लिखा सिस्प्रो ब्लू से ब्रो पिंक से सो मैंने क्रिप मैंने बाय द वे मैंने येलो कलर का क्रिप बनाया है बिकॉज येलो कलर सूट करता है गर्ल भी पहनती है बहुत बिकॉज तो यहाँ से मैंने कुछ मेरा ये उसके मैंने यहाँ पर लाइक क्रिप की नहीं होती इधर से होल होल वो भी बनाए हैं ताकि थोड़ा रियल रियल फील आए उसके बाद ये टेप है तो मैंने जो इसको मैं बता देती हूँ मैंने किससे बनाया है इसके लिए आपको चाहिए कार्डबोर्ड एनी कार्डबोर्ड लाइक मैंने कार्डबोर्ड लिया था कलर का मेरे पेंट से उसका कार्डबोर्ड ले लिया आप कोई सा भी ले सकते हैं उसके बाद उसके अंदर पहले आपको मतलब कि एक बीच वाला लेना है जिसके अंदर आप अपने बेबी को लाइक लिटाएंगे उसके अंदर फिर आपको क्या करना है इसके जो इधर कॉर्नर पर ना आते ये थिंग वॉल्स उसके साइज की ही लेनी है ये वॉल भी ये उसके ना आपको जैसे भी अब आपकी मर्जी आपको कैसे डिजाइन करना स्क्वायर बना ले तो अभी मैं टेप तो आप ग्लू यूज नहीं करोगी नो ग्लू से क्योंकि फिर वो होता है कि ग्लू है ना बहुत जल्दी ग्लू अच्छी पता है मतलब कि अच्छा ग्लू है मगर अच्छी से वो जो बीच की थिंग होती है ना वो हटने लगती है इसलिए हम टेप यूज करेंगे तो टेप हम इतना कट करते हैं सी गाइज ये कट कर लिया अब हम स्टिक करते हैं गाइस ये देखिए टेप इतना लेना है स्क्वायर और इसके अंदर और अपनी जो ये वॉल्स बनानी है आपको अपने उससे थोड़ी बनी बनानी है बिकॉज फिर एंड टाइम पर बोला छोटी पड़नी है ये तो बहुत ही अजीब इसके अंदर अब आपको स्टिक करके मिलती हूँ स्टिक कर दिया है टेप से और ये काम आपको फैन बंद करके करना है वरना ये ऐसे ऐसे होते रहे एनीवेज अभी जो मैंने बड़ा काटा था तो मैं उसका कट कर देती हूँ केयरफुल करिएगा कि आपने कुछ ज़्यादा ही काट दिया और फिर क्रिप कुछ ऐसी लग रही है अजीब तरीके की तो ये बन गई हमारी बेबी की क्रिप अब इसके ना हम बिछाएंगे छोटा सा मैट तो मैं अभी लाती हूँ मैट तो गाइस मैं टिश्यू लाई हूँ मैट बिछाने के लिए कलर पेपर से बिकॉज हम बनाएंगे ब्लैंकेट ब्लिंकरी सो अब इतना कट कर लेते हैं इजीली कट करिएगा कि आप अपनी कलर काट रहे हो आपको पता ही है सो देखिए गाइस छोटा पीस लेंगे हम मैट
नॉट, इसके थोड़ा सा इधर से ऐसे किया है फोल्ड, सही है। उसके अंदर फिर आपको इधर से फोल्ड करता है ताकि फिर वो सही से बिछ पाए। ऐसे किया, सी गाइस दिख रहा है। वाह, तो ये कुछ मैट टाइप बिछा है, इतना कुछ अच्छा लग रहा है या नहीं मुझे बताइए। ब्यूटीफुल, क्योंकि मैंने थोड़ी बहुत इधर से बड़ा कर देते हैं ताकि फिर वो दोनों साइड पर है। बिछ गया मैट्रेस, अब मैं अपने बेबी को बिछाएंगे। तो आप लोग बोलोगे इनका तो पिलो नहीं है, पिलो हम काटेंगे। अभी मैं आपको बताती हूँ ये आपने बेबी कैसे बनाई है। एयर ड्राई क्ले होता है, नॉट लाइक एयर ड्राई क्ले होता है, वो एक जिपलॉक बैग में आते हैं ट्वेल्व कलर के साथ। तो उसके अब बहुत कलर चूज कर, और इसके बाद अब मैं आपको लाती हूँ ग्लू। प्लीज डोंट स्टॉप इट विथ यू, काम तो आता ही है, इसलिए मैंने एकदम ब्रांड न्यू बनाया था। इधर हम ऐसे ऐसे अप्लाई करेंगे और एक साइड से पिलो बनाना है। तो मैं जैसा कर रही हूँ वैसे ही करना है आपको, कि थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी होगा मगर पिलो आपका एकदम जबरदस्त बनेगा। सी, उसके बाद जो आपका गलत एंड थे वो ऐसे कट कर देने है। उसके बाद आपको क्या करना है जी, बताइए क्या करना है। आपके पास ये जो बचा हुआ टिश्यू था इसको थोड़ा सा पीस कट कर दे। अब उड़ के क्या कर दूँ मैं जी, अब इसके अंदर हम स्टफ कर देंगे। तो ये बन गया हमारा यूनिक पिलो। इसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम होगी डालने में मगर फिर वो बैगी बैगी बनेगा ना, फिर वो पिलो ही कहलाता है। व्हेन इट्स बैगी बैगी कॉल्ड पिलो। उसके बाद अब हम ऐसे करेंगे, अभी इधर से एंड कट कर दिए। नाउ इट कॉल्स अ पिलो, सी गाइस पिलो भी बन गए। अब बेबीज को लाया जाए। नहीं नहीं, अभी अब हमें है ना ब्लैंकेट बनाना, इधर दिखाएं ब्लैंकी फॉर बेबीज। दिस मच बेब, सो दिस मच ब्लैंकी विल बी परफेक्ट। परफेक्ट ओके, अब बेबीज को अंदर डाले। क्रिब इतनी बड़ी होनी चाहिए कि आपके बेबीज के साइज से हो, साइज ले लीजिएगा बेबी का। अब हम ब्लैंकी पहनाएंगे इनको। तो अभी एक ना रुक जाए, ब्लैंकी को हमें कुछ इस तरीके का करना है ताकि वो फुला हुआ लगे, लाइक स्टफ्ड। नाउ दैट्स कॉल्ड द थिंग। सी गाइस, ऑल द बेबी थिंग्स आर रेडी, द बेबी क्रिब इज रेडी। तो कैसे लगा आपको मेरा बेबी का क्रिब? सो गाइस, सो गाइस इधर 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 इधर, सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो ओके तो अभी थैंक्स सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।